CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 12 संसार पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 87। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूं। पृष्ठ संख्या 88। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे छोटे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हों? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है।
मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। पृष्ठ संख्या 89। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गईं। पृष्ठ संख्या 90। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। लेखक जवाहरलाल नेहरू। 2 अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद। लेखक के बारे में जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा
जब 10 वर्ष की थीं, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। पृष्ठ संख्या 91। प्रश्न अभ्यास। पत्र से प्रश्न 1। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? प्रश्न 2। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? प्रश्न 3। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। प्रश्न 4। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? प्रश्न 5। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। प्रश्न 6। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। पत्र से आगे 1। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहां कौन सी कहानी प्रचलित है? 2। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? 3। मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? 4। तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी, उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? अनुमान और कल्पना। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। पृष्ठ संख्या 92। भाषा की बात। 1। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। यहां लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, गिरना,
खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। दो, चमकीला, रोड़ा, यहां रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर, रिक्त स्थान, कांटा, रिक्त स्थान, रस, रिक्त स्थान, जहर, रिक्त स्थान। तीन, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। यहां वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में भरो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। क, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, रिक्त स्थान, मैं मेले में जाना चाहती हूं। ख, मुनिया ने सपना देखा, रिक्त स्थान, वह चंद्रमा पर बैठी है। ग, छुट्टियों में हम सब, रिक्त स्थान, दुर्गापुर जाएंगे, रिक्त स्थान, जालंधर। घ, सब्जी कटवा कर रखना, रिक्त स्थान, घर आते ही मैं खाना बना लूं। ड, रिक्त स्थान, मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, रिक्त स्थान, मैं यह बात न कहती। च, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, रिक्त स्थान, अनाज महंगा है। छ, विमल जर्मन सीख रहा है, रिक्त स्थान, फ्रेंच। इन रिक्त स्थानों में बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि शब्द प्रयोग कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 93, कुछ करने को। पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहां जाकर पुरानी चीजें देखो, अपनी कक्षा में उस पर चर्चा करो। सुनना और देखना। एक, एनसीईआरटी की श्रव्य श्रृंखला, पिता के पत्र पुत्री के नाम। दो, एनसीईआरटी का श्रव्य कार्यक्रम, पत्थर और पानी की कहानी। तीन, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़ो। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।